आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। खास तौर पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में जन्माष्टमी की अलग ही धूम देखने को मिल रही है। यहाँ मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है, साथ ही भक्त राधे कृष्ण की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ बात मथुरा की नहीं, अलग अलग जिले से अलग अलग जगह से दिखी तस्वीरें सामने आई है। टीवी स्क्रीन पर आप छह तस्वीरें देख सकते हैं। मथुरा देखिए, श्री कृष्ण की नगरी, यहाँ पर अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दूर दराज से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और श्री कृष्ण की भक्ति में रंगे हुए नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए, हैदराबाद में भी भक्तों की भीड़ देखिए आप किस तरीके से लगी हुई है, हुजूम आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में भी आप इसी तरीके की तस्वीरें देख सकेंगे जहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुबह से ही जो है श्री कृष्ण की भक्ति में सभी लीन नजर आ रहे हैं। कोलकाता में भी इसी तरीके की तस्वीरें, यहाँ पर भी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। पांचवी तस्वीर देखिए, कश्मीर से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। श्री कृष्ण की भक्ति में सभी लीन नजर आ रहे हैं। श्याम रंग में सभी रंगे हुए हैं और हर जगह से, देश के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। छठी तस्वीर आप देखिए, बद्रीनाथ, यहाँ पर भी देखिए विशेष साज सज्जा की गई है, विशेष तरीके से मंदिरों को सजाया गया है। और ये अलग अलग नज़ारे देखिए, अलग अलग तस्वीरें देखिए, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देखिए अद्भुत भव्य नज़ारा आप देख सकते हैं। और लीला आप देखिए किस तरीके से श्री कृष्ण की, और आज श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर मंदिर आपको सजा हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज दिन भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण का इसलिए क्योंकि आज के दिन ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और जन्माष्टमी की धूम देश भर में देखी जा रही है। एक जगह की तस्वीरें नहीं, अलग अलग जगह की तस्वीरें देखिए, देश के कोने कोने से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर श्याम रंग में सभी रंगे हुए हैं और विशेष तरीके की तैयारियां भी की जाती हैं। आज रात 12 बजे भी कई जगह पर विशेष आयोजन होंगे, मटके फोड़ आयोजन किए जाएंगे। ये छह तस्वीरें आप देखिए अलग अलग जगह से दिखा रहे हैं और आगे भी आपको अलग अलग तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां पर किस तरीके से विशेष आयोजन किए गए हैं, क्या कुछ तैयारियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले आप देखिए छह तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। और चलिए भोपाल से हमारे साथ दीपक द्विवेदी जुड़ गए, रायपुर से कुलेश्वर पांडे जुड़ गए, इसके साथ ही उज्जैन से संतोष हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले भोपाल से मैं दीपक का रुख करना चाहूंगी। दीपक, जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी की धूम हमें जगह जगह देखने को मिल रही है, श्याम रंग में सभी रंगे हुए हैं, राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे, किस तरीके की धूम, जरा नजारा दिखाइए। जी प्रशंसा, आपने जैसा बताया पूरा देश आज कृष्णमय हुआ है और अभी हम राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में कृष्ण मंदिर में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग झांकियाँ यहाँ बनाई गई है, चाहे छोटे बच्चे हों वो और चाहे बड़े से बुजुर्ग लोग हों, सभी यहाँ पर आज भगवान कृष्ण के रूप में नजर आ रहे हैं और उनकी झांकियाँ बनाकर यहाँ पर ढोल ढमाके बजाते हुए प्रशंसा नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी खासियत जो कहते हैं कि भगवान कृष्ण को लेकर जो लोगों में उत्साह है, नंद घर आनंद भयो जय लाल की नारे यहाँ पर लग रहे हैं और तमाम यहाँ पर जो लोग हैं यो बनाने के लिए तैयार है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है और आज पर्व मनाया जा रहा है, क्या तैयारी की गई है? सबसे पहले तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने भगवान श्री कृष्ण जी के कुल में जन्म लिया। हम अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं और हम बरसों से यहाँ से हमारे पूर्वज यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते आए हैं। इस जन्माष्टमी के दौरान बिल्कुल बिल्कुल हम देख पा रहे हैं नजारा। दीपक, आपके पास मैं लौटूंगी। रायपुर से हमारे साथ कुलेश्वर भी जुड़े हुए, जरा उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, रायपुर में आप किस तरीके की तस्वीरें देख पा रहे, क्योंकि राजधानी भोपाल की तो आपने तस्वीरें देख ली, नजारा अद्भुत है, लोगों में काफी उत्साह है, जोश है, वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, झलक दिखाइए किस तरीके की तैयारियां है। देखिए, जन्माष्टमी का धूम निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी सभी जगह देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर में भी जो है ऐसे बहुत से मंदिर है जहाँ पे सुबह से ही जो है भजन कीर्तन हो रहा है। इस समय राधा कृष्ण मंदिर में देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो
लोग हैं वो भक्ति में लीन है और भजन कीर्तन कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले जो है मंदिर का पटल आगे बंद हुआ है, कुछ देर बाद फिर से श्रृंगार हुआ है। हर आधे घंटे में यहाँ पे श्री कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है और रात को यहाँ पे भव्य जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो तैयारी है वो तैयारी देख सकते हैं, सामने कैमरा पर्सन योगेश दिखा रहे हैं कितना भव्य तैयारी किया गया है। फूलों से सजाया गया है, लगातार सुबह से यहाँ पर भजन हो रहा है और ये रात 12 बजे तक ऐसे ही भजन कीर्तन यहाँ पर जारी रहेगा। 12 बजे जब कृष्ण जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा तब यहाँ पे पूरी कॉलोनी के जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा होते हैं। साथ ही भजन संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया और लगातार जो श्रद्धालु है वो लगातार यहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं और जितने भी यहाँ पे जो बुजुर्ग जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए यहाँ पर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारी कितने अच्छे से यहाँ पर किया गया है, भीड़ भी लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो राजधानी रायपुर में भी ऐसे ही उत्सव जो है जन्माष्टमी को लेकर चल रहा है। राजधानी रायपुर में ऐसे 28 मंदिर है जहाँ पे बड़े आयोजन होते हैं, उसमें से एक ये राधा कृष्ण का मंदिर है। ये मालवीय रोड में स्थित है और लगातार यहाँ पर भजन कीर्तन, श्री कृष्ण के भजन कीर्तन में जो लोग हैं वो सबके सब यहाँ बोल रहे हैं। तस्वीर देखेंगे कि लगातार यहाँ से सुबह से ही यहाँ पे भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर तैयारी यहाँ भी बहुत अच्छी की गई है, रात को जन्म उत्सव होगा, कई बड़े आयोजन भी किए गए हैं, भजन संध्या भी लगातार चल रहा है और कुल मिलाकर कृष्ण धुन में सब रम्य यहाँ पर नजर साफ तौर पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से समझ भी रहे हैं किस तरीके की तैयारी है। जरा उज्जैन का रुख कर लेते हैं, उज्जैन से हमारे साथ संतोष जुड़ गए हैं। उज्जैन धर्म नगरी, उज्जैन में तो अलग ही तैयारियां होती है, अलग ही नजारा होता है चाहे कोई भी त्यौहार हो। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जा रही है, क्या तस्वीरें, क्या तैयारियां, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल प्रशंसा प्रजा, कल रात्रि से ही उज्जैन की सड़कों पर हों चाहे जितने भी बाल गोपाल के जो मंदिर हैं वहाँ पर पूरी तरह से धूम मची है और अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये मुंबई की तर्ज पर एक बड़ी क्रेन के माध्यम से यहाँ मटकी टांगी गई है जो रात्रि ठीक 11 बजे एक सांस्कृतिक आयोजन के साथ मटकी फोड़ आयोजन किया जाएगा। और खास बात यह कि यहाँ पर देश पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो मटकी तोड़ की जो मंडलियां रहती है वो आती है, इसमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी मटकी तोड़ने यहाँ पहुंचती है और उनको 1,00,000 रुपए संस्था के द्वारा उनको पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार के माध्यम से उनको अवार्ड भी दिया जाता है। और ये लगभग 11 साल से इसी प्रकार भव्य मटकी जो प्रतियोगिता यहाँ पर होती है, मटकी फोड़ के माध्यम से यहाँ सांस्कृतिक रंगारंग आयोजन होते हैं, आतिशबाजियां होती है। और अभी थोड़ा सा इसमें जरूर खलल हुआ है क्योंकि बारिश का दौर जोर से आ गया था, बारिश के कारण इधर थोड़ा से दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि साउंड सिस्टम इनका गीला हो चुका है, इसीलिए अभी सन्नाटा पसरा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुंबई की तर्ज पर एक बड़ी क्रेन लगाई गई है जो क्रेन के ऊपर उन्होंने मटकी टांगी है जो साज सजा की जा रही है और ठीक रात के 11 बजे एक भव्य मटकी फोड़ आयोजन किया जाएगा। मटकी के माध्यम से एक संदेश देने की भी कोशिश की गई क्योंकि जिस प्रकार कान्हा को सबसे ज्यादा माखन पसंद है, माखन इसमें डाला जाता है, मिश्री डाली जाती है और एक जो भव्य आयोजन बिल्कुल विशेष तैयारियां की जा रही है और हमने देख भी लिया किस तरीके से तैयारियां हैं, धूम देखने को मिल रही है। फिलहाल आप लोगों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई है, श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से हर जगह उल्लास देखने को मिल रहा है, धूम देखने को मिल रही है और जगह जगह की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे।